आयत से क्या बनता है? तनाव। देखो यानी आयत कैसा है? हमारा जमीन के तरफ, जमीन के तरफ, बोर्ड के तरफ। यानी जब ऐसा जमीन लेंगे यहाँ पे इसका लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा। देखो एल को क्या कहते हैं हम लोग? लंबाई, लंबाई, लंबाई। और लंबाई का चूंकि इंग्लिश होता है लेंथ, क्या होता है? एल ई एन जी टी एच में, इसीलिए जगह जगह भी एल लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एल। और ब्रेथ को क्या चौड़ाई को क्या लिखे? बी, ब्रेथ, बी आर ई ए डी टी एच सब पढ़ा दिए हैं। तो क्या कहते हैं? ब्रेथ, चौराई, चौराई, इसलिए इसको बी से लिखते हैं। ठीक, इसलिए सूत्र में जगह जगह एल भी आया है। क्या आया है? एल बी, बी। और ऊंचाई को जो होते हैं एस से लिखते हैं, इसको इसका इंग्लिश हाइट होता है, आगे बताएंगे। यहाँ पे जैसे ये क्या होता है ना, पिलर की तरह, ये इसका एच हो जाता है। क्या हो जाता है? एच, 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 एल, एल और एच। इसलिए इसमें ऊंचाई हो जाता है, ऊंचाई का इंग्लिश क्या होगा? एच, हाइट, एच ई आई इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे मिलता जुलता सूत्र इसका होता है। क्या होता है? तो हम बस अभी शुरू में धीरे धीरे समझते हैं। आयत से क्या बनता है? घनाभ। दूसरा होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। तो भाई तुम पूछोगे भाई कि सर ये बताइए कि आयत और वर्ग में क्या फर्क होता है? पूछो। यस सर, आयत और वर्ग में क्या फर्क होता है सर? तो फर्क ये होता है कि वर्ग जो है चारों तरफ से बराबर होता है, एक जैसा होता है, है ना? यस सर। क्या होता है? बराबर। आयत है और ये वर्ग है। वर्ग है। जैसे इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर, ये भी लंबाई एक ही लंबाई, यानी इसका लंबाई चौड़ाई के बराबर हो जाता है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? वर्ग। क्या कर देते हैं? वर्ग, वर्ग। ठीक, वैसे एक परिभाषा और होता है, यहाँ इसका ये सीधा सीधा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यानी सीधा सीधा, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे नहीं टेढ़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें आगे जान लो, ज्यादा नहीं माथा कर चुकी। तो वर्ग से आप देखो, जैसे आयत से बना घन, ऐसे वर्ग से क्या बनेगा? वर्ग से क्या बनेगा? घन। घन से कैसे याद रखेंगे? इसी डब्बा में देखो, यानी इस फर्श को जब ऊंचाई बढ़ा देंगे, यानी चार पिलर इसमें जोड़ देंगे ऐसे करके, तो छत बन जाएगा। यस सर। यानी ये जमीन छीन लिया या जमीन में क्या करेंगे हम? चार पिलर यहाँ खड़ा करके ऊपर छत जोड़ देंगे। तो इसको ऐसे कॉपी में कैसे बना देंगे? ऐसे एकदम बराबर बना दिए, एक बक्सा, दूसरा बक्सा थोड़ा घसका के ऐसे बना दिए, एक रन थोड़ा बराबर ऐसे एकदम बक्सा बना दिए। तो क्या हो गया तुम्हारा? ये क्या है? ये छत नहीं, मतलब छत से बनता है घन। इसमें इसमें क्या अंतर है? ये देखो, ये टेढ़ा मेरा लग रहा है, ये एग्जैक्ट सेम है। यस सर। ये क्या हो गया? घन। अच्छा, क्यूब, क्यूब बॉक्स, बॉक्स देखो क्यूब मिल गया। यस सर, यस सर। वो एकदम एना है, एकदम कैसा होता है? इसी तरह का होता है। और बाकी जो माचिस का डब्बा, पैकिंग करने वाला गिफ्ट, वो सब किसके तरह होता है? घनाव की तरह होता है। तो कैसे याद रखेंगे? पहला इसका, फिर इससे क्या, आयत से क्या बनता है? घनाव। वर्ड से क्या बनता है? घन। क्योंकि इसका, और इसमें इसका खासियत क्या होता है? लंबाई, इसका लंबाई, इसका चौड़ाई सब एक ही रंग होता है। क्या होता है? सब एक ही रंग, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा? एक ही रंग। इसीलिए हम सबको एल एल से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एल एल। या सूत्र में, किताब में ए लिखा होता है, क्या ए, ए, ए ऐसे ए, मतलब ए माने कुछ भी, ए ए सब बराबर है। क्या है? अगर हमको ऐसे नहीं, सब लंबाई में सब क्या है? बराबर है, बराबर है। अब हम लोग ये तो सीख लिए, अब हम लोग आते हैं तीसरा वृत्त। देखो तीसरा क्या है? वृत्त। क्या है? वृत्त को क्या कहते हैं? सर्किल। तो वृत्त से बनता है गोला। क्या बनता है? गोला से, गोला गोला। तो हम कैसे बनाते हैं? वैसे ये ऐसे वृत्त है, ठीक है, और इसका ये केंद्र है ऐसे, इसको त्रिज्या बोलते हैं। इसे क्या बनने वाला है? गोला। तो गोला कैसे बना देंगे? और यहाँ पे ऐसे बना के, तो ऐसे बना के ऐसे ऐसे गोला, नहीं गोला, क्या है? गोला। ठीक है, क्या बन गया? गोला। पहले ये हम सीख लिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब सबका हम सूत्र लगाना सीखेंगे। क्या करेंगे? सूत्र लगाना सीखेंगे।
अगर हम लोग ध्यान से पढ़ते तो बहुत आसान है, क्या है? बहुत आसान है सर। लेकिन हम लोग ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, समझते हैं। तो पहला बात ये याद रखेगा, इसीलिए एक चीज देखो, अगर हम इसका सूत्र बोलेंगे इससे मिलता जुलता है, इसका यानी घन का सूत्र वर्ग की तरह मिलता है, इसलिए गोला का सूत्र वृत्त की तरह मिलता है। तो पहला ट्रिक यही हो गया, अगर हमसे पूछा जाए गोला के बारे में तो इसका सूत्र नहीं, भूल से इसका सूत्र नहीं कहेंगे या इसका सूत्र नहीं कहेंगे, क्योंकि ये गोला किसके तरह है? अब सबका सूत्र सीखते हैं। सूत्र भी हमको कितना याद करना होता है, देखो आयत में बस दो ही चीज याद करना होता है। आयत का क्या याद करना होता है? पहला क्षेत्रफल और परिधि, दो ही सूत्र काम करें मेनली, क्या? क्षेत्रफल और परिधि। तो देखो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, एक क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिख देंगे? एल बी, क्षेत्रफल का एल गुने बी। आसान है, इसको हिंदी में लिखना होगा क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। आज का सफल क्या हुआ? लंबाई गुने चौड़ाई। ऐसे याद करते हैं कॉपी में, आगे से बदल जाए। आज का सफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एल गुने बी। बी बिल्कुल सिंपल तरीका। चलो अब आयत की हम लोग क्या होते हैं? परिधि। परिधि। और हाँ एक चीज और, अच्छा इसको लिख देना सोचो, आयत की परिधि। अच्छा रुक जाओ, किताब में परिधि परिमाप, सुनो ये बात लें, सुनो परिधि परिमाप बाउंड्री की लंबाई, ये सब सब एक ही भाषा है किताब का, सबका मतलब क्या होता है? परिधि होता है। तो परिधि लिखेंगे या सुनो एक मिनट को ना, या परिमाप लिखे या बाउंड्री का लंबाई बोले, कुछ भी बोले, सबका सूत्र क्या होता है? टू गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा अब ये तो हम बोल दिए भाई बाबू क्षेत्रफल और परिमाप, अब ये हमको बता रहा ना ठीक है कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, समझे? हम ये बोले कि भाई देखो आयत का ये क्षेत्रफल होता है, का सूत्र ये होता है परिधि का सूत्र। आप पूछे सर क्षेत्रफल होता क्या है, फिलिप बताइए, फिलिप नहीं बताइए, हाँ करे बहुत निक लगे, कथी निक लगे क्षेत्रफल तो भाई क्षेत्रफल में क्या क्षेत्रफल किसको कहते हैं क्षेत्रफल या परिधि क्या? तो सुनो ध्यान से एकदम, तुम लोग इसीलिए कमजोर हो क्योंकि तुम समझते नहीं हो बातों। अब हम क्षेत्रफल बोलते हैं, क्षेत्रफल का अर्थ होता है, और हम परिधि बोलते हैं तो परिधि का एक अर्थ होता है। तो जैसे अगर हम ये पूरा का पूरा बोर्ड है इसको परिधि कहेंगे, तो हमको इस सिंपली इसको इंची टेप से जब इसके कॉर्नर को नापेंगे इसकी जो लंबाई होगी उसको हम लोग परिधि कहेंगे। नहीं समझे बात? अच्छा तुम सोचोगे इसका काम क्या होता है, फिर दिमाग लगाओ ये क्या काम होता है। तो काम है, काम है ना, कैसे काम है? देखो अगर हमको इसमें डिजाइन लगाना होगा कथी का, ये लाइट का दीपावली में नहीं होगा डिजाइन लगाने का, तो हम इसमें लरी गिर के लगा सकते हैं कि कितना मीटर का लरी लगेगा उतना ही खरीदेंगे। दूसरा या इसमें हमको डिजाइन बीट लगवाना होगा, डिजाइन आता है लकड़ी का तो भी हमको नाप के लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीट तो अब क्या होता है ना बहुत बड़ा चीज, बहुत महंगा महंगा, इसे बीट लगभग 60-70 रुपये इतने टाके 70-70 रुपया दाम, तो हम एक्स्ट्रा मंगा के क्या करें, फालतू मेरा पैसा जाएगा। yes, तो हमारे पास दिमाग है, हम नाप लेंगे इंची टेप से, नाप लेंगे, नहीं नाप सकते हैं। yes, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। और थोड़ा और मेरे पास दिमाग है तो डायरेक्ट इसे ये पता रहेगा, ये पता रहेगा, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे आ जाएगा परिधि। yes, तो पहला बात परिधि का मतलब होता है कि किसी भी चीज का अगर परिधि पूछे परिमाप पूछे तो उसका बाउंड्री का लंबाई होता है, क्या होता है? बाउंड्री का लंबाई, ठीक है। जैसे हम समझाते हैं, अगर पूछे कि आप इस ये जो बोर्ड है आपके पास सर, इसकी जो है आप क्या कीजिए परिमाप निकालिए। yes, तो परिमाप मतलब यहां से नापेंगे इस अति से किससे, स्केल से या इंची टेप से, यहां से लेके ऐसे करके नाप लेंगे, ऐसे करके नाप लेंगे, ऐसे करके नाप लेंगे, ऐसे करके नाप लेंगे। yes, तो ये मीटर में आएगा ना। yes, इसीलिए एक चीज और ट्रिक है, परिमाप की इकाई हमेशा मीटर में आती है, इसमें यहाँ पे मीटर यहाँ लिखा होता है सर, एक मीटर लेंगे, दो मीटर लेंगे, तीन मीटर लेंगे। हम कैसे जानेंगे? देखो कैसे जानेंगे, ये सब मेरे पास स्केल है, हम नहीं नाप सकते ऐसे ये कितना से, हम किसी भी सेंटीमीटर इंच में कैसे भी नाप सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम क्या है,
जनरली मीटर में या सेंटीमीटर में लगाते, ऐसे नाप लेंगे, ठीक है? जल्दी रिवाइज कर, ऐसे नाप लिए, नाप लिए, ऐसे सब बाउंड्री नाप लेंगे। तो बार बार हम कह रहे हैं कहीं भी लिखा रहे परिमाप परिधि, इसका मतलब उसको बाउंड्री को नापने के लिए कह रहे हैं। चलो अगर अच्छा जमीन में परिमाप का क्या काम होगा बताओ सब लोग? घेरने का। अगर हमको पूछेगा कि भाई तार लगाना है, सबको तार से घेरना है, हम नहीं नाप सकते हैं अपने जमीन को? रस्सी से नाप लेंगे और गिन लेंगे, और हमको जितना बार लगाना है तार उतना हम उसको काउंट करके रख लेंगे। तो समझे बात? तो हमारे पास समझ में आया परिधि का क्या काम होता है? यानी यहाँ से रस्सी दोहराएंगे हम बाउंड्री को, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, यानी ये क्या हो गया? परिधि या परिमाप। आया बात समझ में? यस सर। यानी यहाँ से लाके नाप लेंगे, ऐसे लगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे। सुनो, आया बात समझ में? यस सर। क्या कहेंगे? परिमाप या परिमाप। अच्छा, तुम ये भी समझ सकते हो दो एल और दो बी क्यों होता है? क्योंकि देखो सुनो गौर से, ये चूंकि आयत का ये लंबाई तो यो लंबाई, अगर ई चौड़ाई तो वो चौड़ाई, और अभी हम क्या बोले कि परिधि में क्या होता है? हम लंबाई चौड़ाई सबको जोड़ देते हैं। यस सर। तो देखो लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, दुगो लंबाई दुगो चौड़ाई। यस सर। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दुगो लंबाई दुगो चौड़ाई। देखो अगर इस कॉमन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दुगो लंबाई और दुगो चौड़ाई। कुछ आया समझ में? क्षेत्रफल में एल 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 होने। सुनो सुनो बताओ सर, इसका लंबाई क्या? दुगो एल और दुगो चौड़ाई, क्या हुआ? लंबाई मतलब नहीं है, लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई। आ गया बात? क्षेत्रफल में एल गुने बी। हाँ, अब करा याद ले, बगल याद, अब से लिया क्षेत्रफल। सुनो दूसरा, अब क्या है? अगर क्षेत्रफल कहते हैं, हम समझ गए बाउंड्री, क्षेत्रफल इसके जमीन को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। समझे बात? दोनों में फर्क है ना? अरे इस बाउंड्री को लिए तो बाउंड्री क्या हुआ? परिधि। और ये जो जमीन क्या कट्ठा है? दो कट्ठा, तीन कट्ठा, चार कट्ठा, पांच कट्ठा, ये जमीन जो नापते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। समझे बात? क्षेत्रफल का कहाँ काम आता है कहा जाए ऑब्जेक्टिव में, कि क्षेत्रफल का कहाँ काम आता है? नापने में। जमीन नापने में। जमीन क्या नापने में? जमीन का क्षेत्रफल नापने में। यानी क्या कट्ठा है? दो कट्ठा, तीन कट्ठा, पता है कट्ठा है वो क्षेत्रफल है, पता है? एक कट्ठा, दो कट्ठा, तीन कट्ठा, बीस कट्ठा, बीघा सर, बीघा भी वो करे, बीस कट्ठा के बाद बीघा। तो उसको चलिए, हमारे ये सब कॉमन भाषा छे, बुझलिए कि केना नापल जाए गाँव सब में, नहीं तो ओना कथी है छे डेसिमल और हेक्टेयर या मीटर स्क्वायर में नापल जाए मेन जमीन के। बीघा कते कट्ठा कहे छे? क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? लंबाई को चौड़ाई से जब गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ गुना है, यहाँ पे जोड़ है, तो दोनों में फर्क है। लंबाई को जब चौड़ाई से गुना कर देंगे तो क्या आएगा? और सुनो देखो, जब जब लंबाई मान लिया कुछ आएगा, इसका इकाई क्या मीटर के साथ आएगा, चौड़ाई भी मीटर के साथ आएगा, इसलिए इसमें मीटर स्क्वायर लगा होता है। ये बात कौन समझा? देखो लंबाई में जैसे कहेंगे ना 10 मीटर है इसका लंबाई, और चौड़ाई को जब गुना करेंगे तो वो मीटर में थे, तो 10 और 5 को गुना करेंगे तो 10 मीटर प्लस 5 मीटर, फिर मीटर मीटर गुना हो गया, इसलिए क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर। यो चिन्हने का तरीका है, जब तुमको रहा मीटर स्क्वायर तो क्या है? क्षेत्रफल है। जब मीटर है तो क्या है? परिमाप। हो गया, ये इतना काम। और इतना अगर समझ गए सब लोग तो सर से ही समझ जाओगे। इसमें बताओ, इसमें ये समझ गए तो सर से समझ जाओ, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या होता है क्षेत्रफल में 2l 2b का है? क्षेत्रफल में 2l गुणे 2b 6 क्षेत्र, क्यों नहीं होता ऐसे? ये सूत्र बनल छे ना लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एना को कहल छे, अगर जे डेरिवेशन जे कहल गेल छे ओकरा जे निकाल लेते रहते छे, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र निकाला है ना, तो फिर इसमें कोई नहीं आता है, लेकिन उसका है एक तरीका जो सिखाया जाता है कैसे निकाला जाता है 9th में, तो उस पर अभी नहीं जाएंगे। मतलब बेसिकली इसका जो सूत्र आया ना क्षेत्रफल का, वो लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा हो गया। इसका क्या सूत्र हो गया क्षेत्रफल का? लंबाई। बस सीख लिया दो सूत्र,
एकदम। इससे आप देखो ये सूत्र अगर याद रहेगा इतनी आसान से, पता है अगर ये सीख गए यहाँ इस लगे हाथ सीख ले अच्छा दिमाग ना लगे सीख ले तुरंत सीख जेबे खाली अहाँ दिमाग लगवा सीख ले लगे हाथ इो सीख ले सब अहाँ गौर से पढ़बे नहीं करे क्लास अहाँ सब बहुत भारी रही सुनी। अब आइए सीख लिए तो पहले हम चलो इस वर्ग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते बस थोड़ा सा। देखो आप जैसे इसका भी क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा तुम लोग बताओ इस आयत में और वर्ग में फर्क क्या, फर्क क्या, अंतर क्या? वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। हाँ। इसका क्या आमने सामने का भुजा बराबर है, इतना ही फर्क है। तो सेम इसका भी क्षेत्रफल का सूत्र अगर हम मान लेते हैं एल गुने बी है तो एल गुने बी कितना हुआ? अरे यहाँ सुनो देखो इसका लंबाई कितना है एल है और चौड़ाई कितना है 4f। अरे यार चौड़ाई भी एल है। अरे सुनो हाँ सर बस फर्क क्या है सर? अरे फर्क क्या है ना कि ये इसको हम लंबाई कह देते हैं और ये भी है तो दोनों इसमें इसमें अंतर इतना ही है दोनों बराबर है नाप के हिसाब से। फोटो तो यही है ना भाई, इसमें थोड़ा ही अंतर क्या है कि ये इसका लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर बराबर है, बराबर हो गया ना। तो देखो सेम सूत्र क्षेत्रफल का एल एल यहाँ बी है तो ये भी समझो बी ए है। क्यों यहाँ बी के बाद एल क्यों दे क्योंकि ये दोनों बराबर समझ में बराबर है। ये किसको समझ में नहीं आया दोस्तों? आयत में लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यहाँ पे एल गुने एल इसलिए होता है क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है और जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे एल गुने एल? एल गुने एल स्क्वायर नहीं एल स्क्वायर। जब हम किसी चीज को दो बार दो गुने दो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एल स्क्वायर। क्या कहते हैं? एल स्क्वायर। या किताब या किताब में यो लिखा रहता है ए, अगर इसके भुजा को ए मानते हैं तो क्या लिखा रहता है? ए स्क्वायर लिखा रहता है या भुजा स्क्वायर। या क्या लिखा रहता है किताब में? भुजा स्क्वायर। खाने वाला भुजा नहीं, यहाँ पे भुजा भुजा मैंने हाथ का स्क्वायर क्या होगा? चलो भुजा स्क्वायर बैठे फिर से पढ़ रही थी परिधि क्या होगा? हम बता देंगे। परिधि क्या हो गया? परिधि या परिमाण। परिधि का सूत्र क्या हुआ? यहाँ देखो यहाँ पे क्या इसी से आया है दो गुने एल प्लस चौराहे, इसका मतलब सब साइड को जोड़ना है ना। परिधि में क्या करना है? बाउंड्री को जोड़ना है ना। तो सब साइड को जोड़ो कितने मिले? एल 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 क्या एल फोर एल फोर एल। या अगर ए रहते तो कहते ए फोर एल। हम क्या कह देंगे? मतलब एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल कितना एल? फोर एल। या उसको किताब में क्या लिखा रहता है? फोर ए। या चार गुने क्या? ये सब सूत्र में लिखा रहता है। कैसे लिखा रहता है? अच्छा चलो कौन कौन समझ में आया इसको? किसको 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 आया? आ गया डन पूरा डन। देखो अमन को नहीं आया सर, अमन हाथ आया ए नहीं आया समझ में? पूछो सुनो ना नहीं है। हां तो बता ये बोलो ना बता एल गुने एल या की एल नहीं सर पड़ी थी के कथी थी पड़ी थी आ देखिए पड़ी थी ये समझ में नहीं। हां सर आ गया ये देखो पड़ी थी माने है बाउंड्री का लंबाई। सुनो बाउंड्री का लंबाई जो हम नापेंगे सुन नापेंगे तो इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये कितना है? L वन L ये कितना है? 2L यो L है जी सब टाइम L 3 है ये 4 है तो 4 है 4 है L L L क्या कर रहे हैं? 4 है क्या 4 है हम तो हम ये 4 A इसलिए लिखे हैं कि कहीं कहीं किताब में ये इसका मान A O लिखा रहता है। क्या रहता है? A A O लिखा रहता है इसीलिए हम 4 A भी लिख सकते हैं या दूसरे हिसाब से क्या कर सकते हैं 4 गुने भुजा तो ये ऐसे लिखना होता है। अरे इसको हम लोग भुजा कहते हैं ये सब भुजा है। सुनो इसके जो हाथ होते हैं ना ये इसी से मिलकर बना है। इसमें क्या को साइड है? एक गो दो गो तीन गो चार गो ठीक है। चलो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही सारा साइड। इतना तो समझ गया यानी सिंपल स्क्वायर है कितना आया? हां गो सुनो क्षेत्रफल में चलिए एल स्क्वायर अभी देखो ले ना अगर लंबाई चौड़ाई बराबर है तो देखो एल गुने बी के लिए एल 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 के लिए एल स्क्वायर हो गया। यस गणित सुनिश्चित
तो अब हम फिर से रिवाइज करते हैं आयत के बारे में पूछा जाए। पहला आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, परिधि, लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का परिधि, वर्गुने भुजा या चार ए या चार एल, हो गया ऐसे याद रखेंगे। चलो ठीक पूरा लिख ली। अब सुनो, अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये घर के बारे में। इसको हम घर कह सकते हैं, एक बक्सा कह सकते हैं या एक डब्बा कह सकते हैं, ठीक, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये क्या है? लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। ये जो पिलर है ना, ये ऊंचाई। हम कैसे देखो, ऐसे बोर्ड पर तो समझ में नहीं आता, तो हम घर से समझते हैं। जैसे ये मेरा जगह है, ठीक है, असल ये घर है। तो सुनो, ये फर्श है, ठीक है, ये फर्श है, तो ये आयत हो गया। सुनो सब लोग, इस फर्श को हम लोग आयत कहेंगे, क्योंकि इसमें देखो लंबाई है, लंबा वाला साइड। एक चीज याद रखेंगे, लंबा वाला साइड क्या कहते हैं? लंबाई, लंबाई। और ये क्या है? चौड़ाई, वो भी चौड़ाई। तो इसमें इस क्या को लंबाई है? देखो लंबाई, देखो लंबाई, देखो लंबाई, देखो लंबाई। कितना लंबाई? दो लंबाई, दो चौड़ाई, दो लंबाई और दो चौड़ाई। और देखो ऊंचाई, ऊंचाई चार, ऊंचाई ऊंचाई कितना ऊंचाई? कितना मीटर? ठीक है। और ये तो कितना हो गया? और इसके ऊपर जो छत है, सो छत कौन देखे? छत तो देखना पड़ेगा सर। चार एल, चार बी, चार एल। तो सुनो, तब कितना हो गया? एक एल, दो एल, तीन एल, तीन एल, चार एल, चार एल, ठीक है, चार एल, चौड़ाई एगो, चौड़ाई एगो, तीन एगो, चार एगो। क्या को लंबाई? चार बी, चार लंबाई, चार चौड़ाई और चार ऊंचाई, चार ऊंचाई। तो किसी भी घनाभ में कितना? देखो अब हम थोड़ा देखते हैं, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, क्योंकि ये इसके सामने मैं से फोटो बना रहा हूँ। ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ये सब ऊंचाई है, और फिर यो लंबाई, ये वो लंबाई, यो हो चौड़ाई, अब इसमें दो ही चीज क्वेश्चन आता है, यानी तीन क्वेश्चन आता है। एक तो इस घर का आयतन या किसी भी डब्बे का आयतन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन इसके चार दीवारी या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और अंतिम क्वेश्चन इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबका अपना अपना काम। तो पहले हम सबसे आसान होता है आयतन, आयतन पे बात करते हैं। क्या करेंगे? आयतन, आयतन पे बात करते हैं। आयतन में क्या होता है? असल तो पहले देखो, हम जब भी आयतन 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 कहते हैं ना, तो हमको ये पता होना चाहिए आखिर आयतन होता क्या। जैसे हम बोले ना, जमीन, जमीन मतलब क्या? एक बीघा, दो बीघा, आइडिया लगाते हैं ना, उसको क्षेत्रफल कहेंगे। ऐसे आयतन का मतलब क्या? अब जैसे आयतन का मतलब ये होता है, ये जो डब्बा है ना, ये इसमें क्या है? पानी, पानी है, दूध है, कुछ भी रख सकते हैं, तेल है। तो इसमें कितना पानी अट रहा है, उस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग आयतन को खोजे। क्या खोजे? जैसे कटोरा, कटोरा में कितना दूध अट रहा है उसको नापने के लिए, या एक दूध वाला कितना दूध यूज कर रहा है, कितना लीटर, उसको नापने के लिए क्या है नया कंसेप्ट? आयतन। ठीक है, मतलब कोई पहली बार हम जो कोई पानी वाला चीज होता है ना, उसको नापने के लिए क्या चीज यूज किए? आयतन। आयतन के लिए। अच्छा एक चीज बताओ, इस फर्श पे पानी उडेल देंगे तो नपा नपाएगा? एक चीज खुद दिमाग लो, जब भी हम बार बार आयतन कहते हैं, आयतन कहते हैं, तो इसमें लंबाई चौड़ाई से आयतन नाप सकते हैं? अरे लंबाई चौड़ाई से आयतन नाप सकते हैं? नहीं, लंबाई चौड़ाई सिर्फ फर्श है। चलिए उड़ेल दियो पानी, एक बाल्टी उड़ेल दियो, नपेता है। इसीलिए जब हमको क्या, जब भी आयतन नापना होता है, एक कोई डब्बा चाहिए। क्या चाहिए? डब्बा, चाहे वो किसी टाइप का डब्बा हो, चाहे वो देखो, चाहे वो सुन, आप हम समझाते हैं। हमको जब भी आयतन नापना हो तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी टाइप का हमको डब्बा लेना पड़ेगा, लेकिन हमको डब्बा चाहिए। तो इसको समझ के आप, जब भी हमको ये क्या है, किसके तरह है? वैसे ये वर्ग के तरह लग रहा है। किसके तरह? वर्ग, वर्ग मतलब घन के तरह। नहीं, घन नहीं है, क्योंकि इसका ऊंचाई कम है ना, इसको घन नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि घन में सब एक एक जैसा होता है। तो चलो ये क्या पहले कैसा अभी लग रहा है, थोड़ा इसके तरह लग रहा है, हम समझ सकते हैं। चलो ठीक है, अगर हमको पानी नापना होगा तो ये देखो, ये तो इसके तरह है ऐसे, इस पे रखेंगे तो पानी नपाएगा? नो सर। इस पे नपाएगा पानी? नो सर। पानी नपाने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, और गहरा या ऊंचाई भी हो, ऐसे देखो इसमें पानी आ जाएगा। यस सर। क्यों? क्योंकि इसमें ये ऊंचाई भी है। यस सर। ऊंचाया समझ में बात? यस सर। एक तुम खुद बताओ इसमें पानी अटेगा? नो सर। नहीं अटेगा, क्योंकि देखो इसमें ऊंचाई भी नहीं है, इसमें लंबाई चौड़ाई है। नो सर। यस सर। लंबाई चौड़ाई है, लंबाई ये चौड़ाई है, लेकिन इसका मतलब क्षेत्रफल तो कभी भी हम लोग आयतन नहीं नाप सकते। तो आयतन नापने के लिए क्या एक नया चीज चाहिए, ऊंचाई। क्या चाहिए? ऊंचाई। ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्या मतलब? ये क्या है? ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। तो अब जब भी तुमको कहा जाए किसी भी चीज का आयतन तो क्या कहेंगे? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एल गुने बी गुने एच। सुनो, और दूसरा तरीका से हम क्या कह सकते हैं, जो तुम्हारा जमीन में है इस पे तुम क्या करो, खुटा चार को खुटा गाड़ के ऊंचाई कर दो, लंबाई तो इसमें ऑलरेडी है। जमीन पे क्या करो, चार पिलर गाड़ दो, डब्बा बना दो, हो गया तुम्हारा आयतन निकल गया। सुनो तो एक चीज और समझा देते हैं। तो पहला सूत्र लिखो, ये इसका जो सूत्र होता है, लिखना है मतलब समझना है। ये पहला सूत्र जो होता है इसका आयतन, क्या लिखते हैं इसको? आयतन। आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी इसमें तीनों चीज होगा। क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन को कैसे समझेंगे? जब हम किसी चीज को जैसे पानी को नापते हैं या दूध को नापते हैं या कोई ऐसा चीज जो हमको जिसको हम लोग ऐसे मतलब नाप नहीं सकते, क्योंकि इस पे जमीन पे नाप सकते हैं, इसको क्षेत्रफल पे नहीं नाप सकते। हाँ, तो उसको उसके लिए हमको क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, अगर छोटा डब्बा लग रहा है इससे हम समझेंगे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया आयतन। तो आयतन के लिए क्या सूत्र आ गया? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। सुन एक चीज, जब भी हम लंबाई लेंगे तो पता होगा ना, एक मीटर का, आधा मीटर, एक सेंटीमीटर, कुछ तो लंबाई होगा ना। इसलिए लंबाई में अगर नापेंगे तो मान इसका इकाई मीटर हो गया, इसमें भी मीटर लगेगा, इसमें भी मीटर लगेगा, क्या को मीटर हो गया? तीन को मीटर। इसलिए इसके इकाई में मीटर क्यूब लगा होता है, लास्ट क्यूब क्या होता है? मीटर क्यूब, या मतलब इकाई क्यूब कहते हैं किताब की भाषा में। तो इसके अंदर में क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या डीसीएम क्यूब, मतलब लेकिन अंत में पावर तीन लगा रहेगा, कितना रहेगा? पावर तीन। यहाँ पे पावर कितना है? थ्री। इसको घात कितना बोलते हैं? घात या पावर कितना है? तीन। भारी है? नो। चलो ये तो समझ लिए, इसका आयतन दिमाग लगाओ कितना होना चाहिए। अच्छा, इसका आयतन कितना होना चाहिए बताओ तो? आयतन, अच्छा इसका आयतन कितना होना चाहिए बोलो? सिक्स एल। अरे पहले ही बोले गुना में होना चाहिए, सिक्स एल कैसे हो? दिमाग लगाओ, अरे तुमको करना क्या है बताओ ना। अरे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना करना है ना बस। हाँ। तो करो गुना। अच्छा, इसमें कितना, इसका लंबाई कितना है? L। L। चौड़ाई कितना है? L। L। ऊंचाई कितना है? L। L। हो गया भाई सर। L क्यूब। क्यों? अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, ये जो डब्बा है इसका ऊंचाई भी कितना है? एल है। जैसे तुम एक जो डब्बा, जो पजल सॉल्व करने वाला जो डब्बा तुम देखोगे, उसका लंबाई जितना होता है उतना चौड़ाई उतना ऊंचाई भी होता है। ठीक है, तो इसका आयतन कितना हो गया? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों एक जैसा है, तो तीनों तीनों मिलकर क्या बना दिया? एल क्यूब। एल क्यूब, ठीक है। और इसी में साथ में मीटर क्यूब, एल क्यूब मीटर क्यूब या मीटर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी पूछा जाए, हो गया भारी है? आप समझ में आ गया? एक सी और ट्रिक समझा देते हैं। देखो L गुने B क्या होता है? L गुने B क्या चीज होता है? किसका सूत्र होता है? क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का मतलब ऊंचाई जोड़ देते हैं, ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो आयतन आ जाता है। वो हर जगह होता है, समझे बात? ये याद रखना है, जैसे इस रूम के क्षेत्रफल क्या था? L गुने B। जब इसमें तुम ऊंचाई से गुणा किए तो क्या आ गया? L गुने B में आयतन आ गया ना। तो जब हम क्षेत्रफल को
ऊंचाई से गुना करते तो क्या दे देता है? आयतन। उसका आयतन कोई भी चीज का। अगर इसके क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करेंगे तो इसका आयतन देगा, इसके क्षेत्रफल के इसके ऊंचाई से गुना करेंगे तो क्या देगा? आयतन। क्योंकि ये भी तो इसका क्षेत्रफल है ना, नहीं है क्षेत्रफल? ठीक है, तो क्या सीख लिए? तो हम जो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल गुने ऊंचाई क्या दे देता है? आयतन दे देता है। आया कुछ समझ में? ये सब ट्रिक बहुत काम आता है, क्योंकि ये दिन देखो भारी कुछ भी नहीं है, लेकिन तू लोग अभी जैसे पढ़ा दिए, अगर आज नहीं पढ़े तो कभी नहीं याद है, तो आज हम इसी दो को कवर करते हैं, कल इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा और सीख लेते हैं। अब तुमको हम क्या पूछते हैं, और क्या पूछते हैं हम इसमें? वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, यही उतना ही पूछते हैं ना। अरे हमको तीन ही क्वेश्चन आता है, एगो सीधा किसी भी चीज का आयतन बताइए, वक्र पृष्ठ बताइए, संपूर्ण पृष्ठ, तीन सूत्र है ना। यस यस, चलो मेनली तीन और है, वो दो छोटा सूत्र है, मेन तीन हुआ। तो अब हम समझते हैं कि वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे फिर सूत्र एकदम आसान दो। हम वक्र और काम कहाँ आता है वक्र पृष्ठ, समझे बात? इस डब्बा को इसमें गिफ्ट गिफ्ट है, इसमें हमको उसको पैक करके किसी को देना है, पैक करके ऐसे तो नहीं ना देंगे, खराब लग रहा है, हमको सस्ता गिफ्ट देना है किसी को, देख लेते सब बड़का ब्याह में, एक सौ वाला गिफ्ट दे छी, तो हम एकदम बढ़िया बढ़िया पैक टैक कर देवे, तो थोड़े ना देखा दिक्कत ही। तो ये भी एक तरीका होता है कि गिफ्ट 100 वाला लियो, एकदम बढ़िया पैकेट वैकेट कर दियो, लगा 1,00,000 के गिफ्ट छी, सुन ये ठीक है, इस पर हम लोग पैकेट करेंगे, गिफ्ट करेंगे, तो गिफ्ट पैकेट में इसमें क्या गो भाग है उस हिसाब से इसमें उसमें खर्चा लगता है, या समझे कोई ऐसा ये चीज रहता है जिसमें हमको सुरंगना पड़ेगा अलग अलग डिजाइन से, उस हिसाब से इसमें हमको खर्चा होता है, या ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसमें हमको सोना का पानी चढ़ाने का मन होगा, कुछ भी करने का मन हो, या पैकेट के पैक करने का मन हो, तो हम कैसे समझेंगे कैसे पैक करेंगे, इसलिए कंसेप्ट आया किसका? वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ का कंसेप्ट आया, तो वक्र पृष्ठ में देखो, वक्र पृष्ठ में एक तो पहला इसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ चाहिए हमको, यानी सारे चीजों को घेरना है, तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कितना लगेगा थी पेपर, इसमें पेपर कितना चिपकाना पड़ेगा, इसमें कितना चिपकाना पड़ेगा, ऊपर कितना चिपकाना पड़ेगा, टोटल कितना, इसमें कितना है चेहरा, क्या गो फेस है? 6 एक दो तीन चार पांच, तो टोटल क्या गो बनना पड़ते थे चिपकावे, ठीक है, टोटल 6 को मिला के इसका आएगा संपूर्ण पृष्ठ, नहीं आएगा, समझे राज जी की नहीं, टोटल 6 को अगर हम पन्ना आना करके तो क्या आएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ छत पर निकल जाएगा, आ जाएगा। चलो तो अब हम ये दिमाग लगाएंगे कि अगर ये 6 को पन्ना का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, पन्ना का मतलब क्या फिर, यानी क्या ऐसा वाला, ये क्या है आयत, आयत क्या चिपकाना पड़ेगा, एक आयत चिपकाना पड़ेगा, तुम गौर से देखो, तो अगर हम इस पे क्या चिपकाएंगे, एक आयत चिपकाएंगे ना ऐसे, ये नहीं लग रहा आयत, यानी ये पन्ना का मतलब ये जो दिख रहा है किसके तरह दिख रहा है, ये नहीं समझ है ना, यानी इस पे क्या चिपकाएंगे आयत, क्या गो आयत, 6 गो आयत, तो 6 गो आयत ऐसे ऐसे फाड़ फाड़ के अगर हम चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा ढका जाएगा, तो यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा, 6 गो आयत का क्षेत्रफल, ये किसको किसको नहीं समझ में आया, चलो हाथ उठाओ, हम मुंह नहीं देखो तो समझ में आवे या नहीं लगेगा कुछ, निंदा भैया आगे बाद ही पढ़ाब ने हम, क्या ऑलरेडी दूसरा बार पढ़ा रहे छी, सुनो, यानी इस डब्बा को कवर करना पड़ेगा, तो क्या को छत चाहिए, 6 को, 1 2 3 4 5 6, चलो अब तुम समझ में आ गया, अब हमको ये दिमाग में लगाना है इस 6 को क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखो सुनो, तो कैसे देखो, एक तो ये जमीन वाला है, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर एक जैसा छत है, ऐसा हो गया, फिर इसी सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इस रूम को समझ, ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, ये फर्श, ये छत, तो दोनों एक जैसा, इसका मतलब दो एक जैसा होगा, दो एक जैसा माने ये जैसा है ऐसा ही ये भी है, इसका निकालेंगे उसी में 2 से गुना कर देंगे दिया जाएगा, चलो ये बात समझ में आया,
इसके बाद ये और ये एकदम बिल्कुल एक जैसा है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, एक को निकालेंगे दूसरे गुना कर देंगे, ऐसे इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, एक को निकालेंगे दूसरे गुना कर देंगे, यानी तुम क्या समझे, दो गुने आएगा उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में। ये ट्रिक है याद करने का, क्या कहेंगे, अगर संपूर्ण कहा जाए तो टोटल क्या गो फेस है, तो क्या दो दो प्लस दो प्लस दो कितना हुआ, छह। यानी अगर तुमको याद रहे कि संपूर्ण एक तुम अगर हमको याद है सूत्र, लेकिन किस में किसको कहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम कैसे याद रखेंगे, संपूर्ण में क्या फेस आता है, छह। तो दो गुने दो गुने दो, यानी दो कॉमन आता है, क्या होता है, कॉमन आता है। अब कैसे समझे, अब हम देखो कैसे समझे, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो इस फर्स का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका भी क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, सुन लो कैसे, यानी इसका अगर हमको निकालना होगा, इसका निकालना होगा, तो हम लोग क्या कह दिए कि लंबाई गुने चौड़ाई, और क्या गो दो गो लंबाई गुने चौड़ाई। अब जोड़ते हैं, अब किसको जोड़ेंगे, अब हम इसको जोड़ते हैं, इसको इसको, एक चीज बताओ, ये अच्छा इस दीवार को थोड़ा दिखता है, ये क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई, और ये क्या है, ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई कहां, चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, आ गया क्षेत्रफल। तो दूसरा क्षेत्रफल क्या हुआ, दुगो चौड़ाई का क्या होता है, बी गुने ऊंचाई, और ये क्या गो है, दोनों एक जैसा है ना, आगे अब इस दीवार का हमको निकालना है, तो लंबाई और ये क्या है, ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, तो क्या होगा, लंबाई गुने ऊंचाई, और क्या को दोगो, यही होता है संपूर्ण प्रेस का क्षेत्रफल, पता है, इसमें से बस इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, इसीलिए वहां पे लिखा देते हैं, यही सूत्र होता है, दो गुने, देखो और कैसे याद रखेंगे, हम सबको अल्टरनेट लेंगे, पहले लंबाई चौड़ाई को लिए हैं, फिर चौड़ाई ऊंचाई को लिए हैं, फिर लंबाई गुने, माने सबको एक एक साथ लेंगे, देखो लंबा माने दो गुने लंबाई, देखिए लंबाई माने कोई भी ले लेंगे, लंबाई चौड़ाई दो गुने लंबाई ऊंचाई, दो गुने लंबाई और ऊंचाई, और ऊंचाई, ऐसे सब ले लेंगे, देखो लंबाई चौड़ाई लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई ऊंचाई, ऐसे करके टोटल क्या गो, छह। एकदम याद रहेगा, दो दो चार, इसको कैसे लिख दो, ऐसे करते सर, पांच मिनट रुक, एक मिनट अगर लिखा दिए, तो हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखते हैं, घनाव का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, घनाव का संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठ का क्षेत्र फल, कुछ आया समझ में, यस सर, तो क्या लिखेंगे, दू लंबाई चौड़ाई, आज देखो कुछ हां सर, हम गुना में हम इसको हटा सकते हैं, क्या सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको क्या करते हैं, दू गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस दू गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस दू गुने लंबाई गुने ऊंचाई। इसमें से देखो अब कॉमन अगर इसको नहीं आता तो धीरे धीरे सीखो, कॉमन का ये मतलब होता है, तीनों में क्या क्या चीज है, दो तीनों में क्या है, दो है, दो है, दो है, दो लिख दो लेंगे सर, एक दो निकालेंगे, गुने एल प्लस बी प्लस बी गुने एस प्लस एल गुने बी, अब याद रहेगा कैसे आया है, यस सर। चलो अब क्या करना है, सेम बस इसको इस सेम इसी टाइप का, अब देखो इसमें क्या है, इसका चूंकि और आसान है क्योंकि सबका तो एक ही जैसा है, यस सर, अगर देखो सबका क्षेत्रफल एक ही जैसा एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, इसीलिए इसमें अगर वक्र पृष्ठ पूछे नहीं सॉरी संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण अगर इसका पूछे तो क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाँ संपूर्ण एल गुना एल गुना एल गुना एल गुना एल एल गुना एल गुना फोर एल सिक्स एल नहीं फोर एल एक एक फिर एल गुना एल स्क्वायर प्लस क्या हुआ एल स्क्वायर दो एल स्क्वायर प्लस दो एल स्क्वायर प्लस दो एल स्क्वायर टोटल कितना हुआ छह एल स्क्वायर टोटल क्या हुआ इसमें अधिक क्या होता है छह गो और एको का क्षेत्रफल एल स्क्वायर तो छह गो का छह एल स्क्वायर हो गया। एक चीज और बस जो पूछा जाता है वक्र पृष्ठ क्या पूछा जाता है वक्र पृष्ठ ये याद रखना है सुनो
तो जब हम रूम का वक्र पेश करते हैं ना रूम का, तो उस रूम के वक्र पेश में से क्या कहता है कि ऊपर का छत उड़ा दो और नीचे का ये जमीन उड़ा दो, बस ये जो चार दीवार होता है ना वही उसका वक्र पेश होता है। कुछ नहीं समझ मिले? फिर समझ। जब हम कहेंगे सिर्फ एंड सिर्फ वक्र, तो वक्र मतलब होता है जो टेढ़ा वाला भाग है। कौन सा वाला भाग है? जो टेढ़ा वाला, इसका टेढ़ा वाला भाग यही है ना? यस सर। ये सिर्फ कौन सा है? टेढ़ा वाला भाग। इस रूम का टेढ़ा वाला भाग का सिर्फ निकालना है वर्क प्रेस, इसको इसको नहीं निकालना है। यानी निकालना है तो या तो हम उसको दो तरीका से कहते हैं, चाहे चाहे तो हम इस सुन चाहे तो इस सब काम अलग अलग निकाल लें, या नहीं तो ये चीज दिमाग में लगाए कि टोटल में से इसको घटा दो। दोनों तरीका से कह सके भैया, हम ये कह सके कि चाहे तो हम अलग से अलग इसका निकाल लें अलग अलग से, या पूरा छह गो है, छह गो में से ई छपर है, छपर उड़ा दे नहीं उड़ा दे तो वो निकल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो निकाले है ना इसमें से तुम घटा दो, किसको घटा दो? इस छपर को, इस छपर को घटा दो, तो क्या लिख सकते हैं? तीसरा वक्र पृष्ठ, यानी किसका? घनाव का वक्र पृष्ठ। किसका कह रहे हैं? घनाव का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल का क्या होना चाहिए सूत्र? ये जो लिखे हैं ना इसमें से क्या घटा देंगे? ये घटा देंगे। तो क्या घटा? सुनो, तो इसमें से घटाओ तो समझ में नहीं आएगा, इसमें से घटाना पड़ेगा इसमें से। अच्छा, इसमें से दो गुने लंबाई चला घटा देंगे तो कौन वाला घट जाएगा? यानी इसमें किसको उड़ाना है हमको? अरे इसको, इसको उड़ाना है ना, तो किसको, इसमें से किसको उड़ाना है बताओ? इसको उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि इसका लंबाई चला है ना, इसको उड़ा देंगे। नहीं, एक तो क्या क्या बच गया? ये दोनों बच जाएगा, बच जाएगा ना वक्र पृष्ठ। तो यही लिख देंगे, तो क्या हो गया तुम्हारा? देखो, दो गुने चौराहे ऊंचाई, सॉरी माने इसका चौराहे ऊंचाई, इसका चौराहे ऊंचाई, इसका इधर आ गया, इसके बाद इसका लंबाई और ऊंचाई, क्या हो गया? लंबाई ऊंचाई, दो गुने लंबाई ऊंचाई। देखो इसमें क्या, किताब में ऐसे लिखा रहता है, इसमें से दो को कॉमन ले लिए और इसमें तुमको क्या दिख रहा है? बी और बी कॉमन दिख रहा है, बी दिख रहा है कॉमन ले लिए सर। तो क्या बचा? एच एल, एच प्लस एल, क्या बच गया? एच प्लस एल। तो ये देखो, एच प्लस एल, एच एच प्लस एल। तो ये यानी अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसका सूत्र में एल, सुनो, दो गुने लंबाई प्लस चौराहे गुने ऊंचाई, हाँ मतलब इसमें क्या है ना, वो देखो मतलब इसमें क्या होता है, जब हम वक्र पृष्ठ पूछते हैं तो जब क्या होता है, दो गुने क्या होता है, लंबाई प्लस चौराहे, परिधि को हम जो ऊंचाई से गुना करते हैं तब ये निकलता है। इसमें से क्या निकल गया? हम किसको उड़ा दिए? नहीं नहीं, हम इसको किसको उड़ा, इसमें से एच निकाल दिए, नहीं घर में यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ले लिए, इसलिए तो गड़बड़ हो गया, एल एच है यहाँ पे, सॉरी गड़बड़ हो गया। अरे हम इसको ना उड़ा रहे हैं, एल एच है यहाँ पे बोलना चाहिए था ना। देखो ये दो गुने एच कॉमन ले लेंगे, क्या बचा? एल प्लस, यही सूत्र होता है इसमें, हम ऐसे बोलते हैं, दो गुने लंबाई पर चौराहे आगुने ऊंचाई। तो ये दो गुने लंबाई चौराहे किसका सूत्र होता है? यानी परिधि में जब ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या होता है? खनाव का वक्र। देखो अरे ये देखो ना, तुम एच को इधर दे रखो ना, देखो ऐसे इसको नीचे लिखना, इसके नीचे दो गुने लंबाई प्लस चौराहे, इसको जब ऊंचाई से गुना करो, देखो इसके जैसा मिलता है, परिधि को ऊंचाई से गुना करके क्या आता है? वक्र। सो सेम इसमें लगा है, हो गया, इसमें क्या हुआ है, छह गो के बाद यहाँ कितना एल स्क्वायर होगा? चार, चार दीवार चाहिए ना, चार, तो बस इतना लिख लो, हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हो गया काफी, हो गया पूरा रिवाइज हो गया वन शॉट में, एक घंटा में कितना पढ़ा दिए? यस सर। अब गलती के ना, सबको छापना है, बाद में ब्रेक कर लिया सर, पहले ब्रेक कर ले, अंदर के जब बाहर जा, हल्ला निकल।